हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यार मतलब आप आराम से भी बात कर सकते हैं। आज थोड़ा सा मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा था वो जो टिपिकल जो यूट्यूबर्स होते हैं जो स्टाइल में आके ज़रा ज़ोर से चलाते हैं और फिर वो यानी भाई आप आराम से भी बात कर सकते हैं। आज जो है क्रिकेट के रिलेटेड हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, स्पेशली ज़्यादा खबरें जो है इंडिया क्रिकेट टीम के इंडियन क्रिकेट जो है उसके लिए हैं, क्योंकि मुझे कुछ आज बड़ी खबर नहीं मिली जो मैं स्पेशली आपके साथ डिस्कस करता। और मेरी कोशिश होती है कि दिन में जो है 3-4 खबरें आपके साथ शेयर करूं जो भी हों, लेकिन अभी तक 2 मैंने शेयर की हैं, अभी तीसरी आज की आखिरी वीडियो है। खबर यह है कि जी इंडिया के जो राहुल द्रविड़ है, एक बेहतरीन बैट्समैन हुआ करते थे, मुझे याद है कि मैं लकी था कि मैंने उसकी बैटिंग देखी थी 2005-2006 में, एंड ही वॉज़ वेरी कूल गाय, एक्चुअली ही इज़ वेरी गुड गाय। राहुल द्रविड़ जो हैं वो इंडिया के हेड कोच बन चुके हैं, एंड ही इज़ नॉट हेड कोच ऑफ नेशनल टीम, आई मीन नेशनल टीम कह सकते हैं, बिकॉज जो श्रीलंका टीम जाएगी वो अंडर 19 तो नहीं जाएगी, तो इस वजह से जो है वो हेड कोच हैं। जो श्रीलंका टीम जाएगी इंडिया की खेलने के लिए, वाइट बॉल टूर करने के लिए जो श्रीलंका जाएगी उसके लिए जो है वो राहुल द्रविड़ जो है हेड कोच बन चुके हैं। उनको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, और आई होप के देखें राहुल द्रविड़ ने जो है ना बड़ा, टू बी ऑनेस्ट, ही डिड ए वेरी गुड जॉब। अंडर 19 के जब कोच थे तो ये सारे जो प्लेयर के राहुल, ये शुभम गिल, ये पृथ्वी शाह, ये सारे जो हैं इसके अंडर में खेल के इसकी कोचिंग में जो है खेले हैं, जो कि आज बहुत ऋषभ पंत हो गया, ये बड़े प्लेयर हैं। तो राहुल द्रविड़ ने जो है यंगस्टर्स के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है, एंड यही एक इंडियन टीम की खूबी होती है कि यू नो उनके पास इतने ग्रेट जो है वो जब भी प्लेयर आते हैं तो वो ड्रॉप नहीं होते, एक अरसे तक खेलते हैं। तो इसके अलावा जी हम बात करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है कवर ड्राइव की बहस हुई कि किसकी कवर ड्राइव जो है वो बेहतर है, जिसमें काफ़ी क्रिकेटर्स ने अपनी राय का इजहार किया। जॉर्ज लिंडे जो हैं साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर भी हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर भी हैं, उन्होंने जी बाबर आजम को कहा कि बाबर आजम की जो कवर ड्राइव है वो बेहतरीन है, और इसके ऊपर काफ़ी टाइम से बहस चल रही है कि कवर ड्राइव किसका बेहतर है। विराट कोहली, देयर नो डाउट कि ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर एंड ही यू नो जिस तरह की शॉटें मारते हैं, जिस तरह हर किस्म के शॉट मारते हैं, लेकिन ये है कि कवर ड्राइव के ऊपर जो है इसको थोड़ा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है बाबर आजम का, क्योंकि बाबर आजम जो है वो उसका कवर ड्राइव जो है कि एक किस्म का ऐसा है कि वो उसका जो है वो सिग्नेचर शॉट है आप कह सकते हैं, और उसको बड़ा मज़ा आता है। वो खुद कहता है कि मुझे कवर ड्राइव जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और इसके ऊपर जो ICC ने जो है एक वीडियो भी जारी की थी जिसमें डिफरेंट प्लेयर के जो है वर्ल्ड कप के बाद 2019 के वर्ल्ड कप के बाद उसमें उन्होंने डिफरेंट प्लेयर के कवर ड्राइव दिखाए थे जिसमें से बाबर आजम को जो है ज़्यादा वोट मिले थे। आई मीन कमेंट सेशन में तो अलग ऐसा रहा था, इवन इंडियन जो है वो प्रेस कर रहे थे बाबर आजम के कवर ड्राइव को, लेकिन आज जो है वो एक इंग्लिश क्रिकेटर हैं उन्होंने ये कहा है कि मुझे टेक्निकली साउंड बैट्समैन बहुत अच्छे लगते हैं। इयान बेल उनका नाम है, इंग्लिश इंग्लैंड की टीम में खेल चुके हैं वो काफ़ी अरसे तक, और अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं वो। तो उन्होंने जो है वो विराट कोहली को काफ़ी प्रेस किया, उन्होंने कहा दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, दोनों के कवर ड्राइव अच्छे हैं, लेकिन मैं बर्तरी जो है यानी ऊपर इसलिए विराट कोहली को रखूँगा क्योंकि विराट कोहली के जो शॉट्स हैं वो टेक्निकली साउंड शॉट जो नो बैट्समैन है, तो टेक्निकली जो है वो उनके शॉट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लिहाजा इसलिए जो है ही वुड लाइक टू गो विद विराट कोहली। तो इसके अलावा जी देखें PSL की बात करते हैं तो PSL के लिए जो है कभी अच्छी खबर आ रही है, कभी बुरी आ रही है, लिहाजा PSL के लिए फ़िलहाल जो ये खबर है कि PSL के लिए अबू धाबी जो है बोर्ड है उन्होंने जो है वो कहा है कि आप जो है PSL करवा सकते हैं, लिहाजा उसके लिए यह है कि कुछ अरसे के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो लेट्स सी किस तरह चीज़ें जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिए ख्याल, तब तक के लिए।